नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज मैं बात करूंगा आप सब लोगों से कि कोरोना के संकट में फंस चुके भारत को कोरोना संकट से उभारने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई अपील। रविवार को 5 अप्रैल को उन्होंने कहा, रात को 9:09 के लिए सब अपने घरों की लाइट बंद कर देंगे और कोरोना के खिलाफ, कोरोना के अंधकार से लड़ने के लिए घरों को अंधकार में धकेल करके आप सब लोग अपने मोबाइल की लाइट ऑन करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और दीपक जलाएंगे 9 मिनट के लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए निरंतर, पहला अपील उनका था, उन्होंने कहा था 19 मार्च को, कहा कि आप सब लोग 22 मार्च को कोरोना के खिलाफ एकजुट होने के लिए सब लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने घरों में रहेंगे। यह ऐलान भी मोदी जी ने रात को किया था और अब भी मोदी जी ने जो अभी वीडियो जारी किया उसमें भी रात का समय तय किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ मैच करते हैं। कैसे कैसे आपने देखा, उन्होंने नोटबंदी का मसला भी ताली बजाकर रात को ही 500 और 1000 के नोट बदली किए। आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश में टैक्स पद्धति का जो प्रचलन था उसको बदली भी रात को किया। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने हमारे देशवासियों को उनका आवागमन के साधन, जिसको कहते हैं लॉकडाउन, कोरोना के मसले को लेकर रात को 12 बजे से उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की। ये सब भी हम जानते हैं 24 मार्च की रात को। और अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि रात को 9:09 के लिए हम अपने घरों को अंधकार में करके सिर्फ मोमबत्ती, दीपक और मोबाइल की लाइट जला करके कोरोना के वायरस के खिलाफ एकजुट हो करके लड़ने की काम करें। आपको मालूम है, सब लोगों को एक बड़ी रोचक बात, पूरे विश्व में, इस सृष्टि में एक जीव है जो सब काम रात को करता है और वो उल्लू है। उल्लू कोई काम दिन में नहीं करता, उल्लू सारे काम रात को करता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो बड़ा काम करते हैं वो सब रात को ही करते हैं। ये क्रोनोलॉजी का मामला है कि क्या, पर ये बड़ा रोचक मामला है। दोस्तों, यदि सच में दीपक जलाने से, मोमबत्ती जलाने से और मोबाइल की लाइट जलाने से कोरोना को भगाने का एकजुटता हो सकती है, तो मैं तो कहूँगा कि हम सब लोग बाबा रामदेव की दुकान से गाय का देसी घी लेकर आएंगे और उससे दीपक जलाएंगे, गाय के देसी घी से दीपक जलाएंगे। पर जरा मोदी जी, आप तो बताएं, आप तो देश और दुनिया में कोरोना से निपटने के लिए आपने तो दुनिया के वैज्ञानिकों को मात दे डाली। पहले जो आपके अनुयायी थे उन्होंने कहा गौमूत्र पियो और गाय का गोबर का खाओ और उसका लेप लगाओ, तो वो बात किनारे हो गई। फिर आपने कहा कि नहीं, हमको कोरोना से निपटने के लिए घंटी घड़ियाल बजाना चाहिए, ताली और थाली बजाना चाहिए। हमारे देश में इंदौर भी है, इंदौर में तो हमने देखा था आपकी ताली और थाली बजाने वाले अंधभक्त, वो निकाल रहे थे, उसको बोलते कोरोना डांडिया और पता लगा वो चपेट में आ चुका है। मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने फिर कहा सब लोग अपने घर को अंधेरे में करेंगे। एक बात जो हमारे देश में मान्यता है, घर में अंधेरा तब करना पड़ता है जब कोई गमी का मसला हो, कोई मौत हो गई हो। अरे मोदी जी, एकजुटता करनी, हम पहले अंधेरा करें, फिर मोमबत्ती का व्यवस्था करें, फिर हम मोबाइल की लाइट ऑन करें। अच्छा, एक बात याद है, शुरू करते हैं। हम जब सारे भारत के लोगों की बात कर रहे हैं कि सब लोग अपनी खिड़की और दरवाजे पर खड़ा हो करके दरवाजे, घर की लाइट बंद करके मोमबत्ती जलाएंगे, हमारे देश के लोग अपने मोबाइल की लाइट ऑन करेंगे और हमारे देश के लोग दीपक जलाएंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
क्या हमारे देश में जो 1,70,00,000 बेघर लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है, उनको क्या आप देश का नागरिक नहीं मानते हैं क्या? क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब उनके पास घर ही नहीं है 1,70,00,000 लोगों के पास, तो वो कहाँ की लाइट बंद करेंगे और कहाँ सी खिड़की पर, कौन से दरवाजे पर, दरवाजे की चौखट पर बैठ करके वो मोबाइल की लाइट ऑन करेंगे, वो अपना दीपक जलाएंगे या मोमबत्ती जलाएंगे, जरा वो हमको तो बता दीजिए ना मोदी जी। आप देशवासियों से अपील कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता है कि जो भारत के 1,70,00,000 बेघर लोग हैं वो मेरे भारत के नागरिक नहीं हैं। दूसरा, आपके ही सामने है, आप मुझे बताइए कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, वो कहाँ जलाएं पहले उनके लिए कहिए। आप ऐसी अपील क्यों नहीं करते हैं जो भारत के 100% लोगों को स्वीकार कर सकते हो? 1,70,00,000 लोगों ने तो जन्म से ही अपनी व्यवस्था और मजबूरी के कारण ही आपकी अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि उनके पास घर नहीं है। दूसरी बात, आप बार बार हमारे देश की आबादी को गलत क्यों कहते हैं? आप विश्व में जो गणना जनगणना का मापदंड है उससे लेकर के छोटी सी कंपनी है गूगल की अमेरिका, उसको खंगालिए मोदी जी। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। आप पहले कई साल तक 125 करोड़ पे अटके रहे, अब आप 130 करोड़ पर आ गए। या आप बताइए कि भारत में वो कौन से 5 करोड़ से ज्यादा नागरिक हैं जिनको आप भारत का नागरिक नहीं मानते हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष है पहले से ही, आपके प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले से ही, और प्रधानमंत्री राहत कोष से देश में अगर कोई आपदा आती है तो धन एकत्र होता है, दानी उसमें पैसा डालते हैं और उसी पैसे के बूते, उसी धन के बूते हमारे देश में राहत पहुंचाई जाती है। आपने उसको किनारे कर डाला और आपने अपना पीएम केयर शुरू कर डाला। कहीं कहीं तो हम हैरान हैं, हो सकता है कि लोग फप्तियां ही कस रहे हो कि पता लगा जो रोटियां भी बंटने वाली है मोदी जी उसमें भी आप अपना ही फोटो चिपका रहे हैं। हमको लग रहा है कि भारत कोरोना के संकट में क्या फंसा, आप भारत के लोगों को जमुरे की तरह चला रहे हैं। कैसा जमुरा? जब आप अपील करें तो भारत के लोग ताली बजाएं, भारत के लोग थाली बजाएं, आप अपील करें वो घंटी और घड़ियाल बजाएं, अब आप अपील करेंगे वो अपने घरों में अंधेरा करें और वो दीप जलाएं, वो ज्योत जलाएं और वो टॉर्च और वो जलाएं, क्या कहते हैं आपका, मोमबत्तियां। तो ये जरा हम जानना चाहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप कोरोना के संकट से देश को उभार रहे हैं या देश की नब्ज को टटोल रहे हैं कि आपकी अपील कहां तक कारगर होती है? हम हर एक अपील आपकी। और दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। मेरे भारत के लोगों की आपने रोजी रोटी छीन डाली, आपने 8 बजे 24 तारीख की रात को आप टीवी में बैठे आधा घंटे तक आपने अपने गाल बजाए और कहा कि 12 बजे से लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के बाद आपने हमारे देश के नागरिकों के आवागमन के साधन बस और रेल तक बंद कर डाली। विवश होकर के बेरोजगारी के कारण भूखे पेट हमारे देश के नगर महानगर शहरों से जो पलायन करके जो मजदूर अपने गाँव की तरफ जाने लग गए, आपकी पुलिस ने उनकी खाल उतार डाली। उत्तर प्रदेश के एक युवा दलित ने तो आत्महत्या कर ली, अपमानित होकर इतनी बेरहमी से, इतनी बदतमीजी के साथ आपकी पुलिस ने मारा। और राजधानी दिल्ली के अंदर विदेशी 200 लोग इंडिया गेट पर बसों से यात्रा करते हैं। तो आप, आपसे जानना चाहते हैं मोदी जी, हमारे भारत के लोग अगर अपने घर से चौखट के बाहर आते हैं तो आपकी पुलिस हाथ पैर तोड़ रही है, मार रही है बेरहमी से, और विदेशी लोग आ रहे हैं तो वह इंडिया गेट में भी भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजधानी दिल्ली के पुलिस के औकात नहीं थी कि उनसे जोर से पूछ पाए, उनसे रिक्वेस्ट करके पूछा तो उन्होंने कहा ऊपर का आदेश है। इसका मतलब यह हो गया कि मोदी राज में भारत के लोगों को सड़कों पर चलना मना है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। भारतीयों और कुत्तों के लिए प्रवेश निषेध,
ठीक उसी दशा में आज भारतीयों की दशा भी जैसे पुलिस पीट रही है और जो हालात आपने देश के बना दिए कि भारतीयों का सड़कों पर गुजरना संभव नहीं है। खास करके तमाम वीडियो में आप भी देख सकते हैं मोदी जी, मैक्सिमम आबादी जो पैदल चलने वाले मजदूर है कितनी बेरहमी से पुलिस कुत्तों की तरह उनको पीट रही है और जो दोपहिया चारपहिया पर चल रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भारत के लोग मोदी जी अगर सड़क पर चलेंगे तो कोरोना की चेन नहीं टूटती, अगर भारत के लोग सड़क पर चलेंगे तो कोरोना के संक्रमण का प्रसार नहीं रुकता, लेकिन विदेशों से आकर के लोग वो ऊपर से अनुमति, आपकी ही अनुमति, आपके ही गृह मंत्री की अनुमति से विदेशी 200-200 की संख्या में इंडिया गेट पर भी भ्रमण कर रहे हैं तो कोरोना की चेन कायम नहीं रहती और कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ता है। तो आप खुलासा करें, बताएं कि संसार में वो कौन कौन से देश हैं जिनका डीएनए ऐसा है कि उनके भारत में समूह में घूमने से भारत में कोरोना नहीं फैलता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 16 मार्च से दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया, तो ये बताइए उस प्रतिबंध का उल्लंघन सबसे पहले किसने किया? आदरणीय मोदी जी, लगातार 16 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आप संसद को चलाते रहे और संसद के अंदर 550 आपके लोकसभा सदस्य, 250 राज्यसभा के, और इन सब की संख्या मिला करके राजधानी दिल्ली में निरंतर आपने 7 दिन तक आपकी सरकार ने दिल्ली में 50 से ज़्यादा लोगों के एक जगह जुटने के कानून का उल्लंघन किया। क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 7 दिन के लिए आपकी सरकार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए मोदी जी, क्यों नहीं? और 23 मार्च को राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी एक दिन का विधानसभा सत्र का आयोजन किया, क्यों नहीं उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यह महत्वपूर्ण बात, फिर मैं मरकज की बात कर रहा हूँ, तबलीगी जमात के मरकज पर उनका जो व्यवहार है, उनका जो चाल चरित्र सोच है, मैं उसके बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। जैसे मोदी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि घर का अंधेरा कर देने से, और घर में घर हो, जिनके पास घर नहीं हो तो बेचारे क्या करें, पर जिनके पास घर है वो अपना घर अंधकार में करके मोमबत्ती जला दें, वो दीप जला दें और वह मोबाइल की लाइट जला दें, उससे कोरोना भागता हो। और न मैं इस बात से सहमत हूँ कि गाय का मूत्र पीने से और गाय का गोबर खाने, गाय के गोबर का लेप लगाने से कोरोना ठीक हो सकता है, और न मैं तबलीगी जमात के मौलाना की उन तकरीरों से सहमत हूँ जिसमें वो दावा करते हैं कि मस्जिद में न रोग आता है न मौत आती है। और मैं बिल्कुल तबलीगी जमात में शामिल उन सब लोगों की भर्त्सना और निंदा करता हूँ जो बेहूदगी कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर थूकने का जिन्होंने प्रयास किया उनकी भी मैं घोर निंदा करता हूं।